बातमीपत्रामध्ये पुन्हा आपलं स्वागत. आता बातम्या पाहणार आहोत विस्तारानं. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या उद्योग, पर्यटन, संरक्षित वास्तू यांच्या विकासासाठी आणि मूलभूत सोयीसुविधांसाठी केंद्र सरकारनं 2300 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी लोकसभेत केली. नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात खासदार धनंजय महाडिक यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याची क्षमता आणि समस्या याबाबत आज भूमिका मांडली. नवी दिल्ली इथं सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी 2300 कोटी रुपयांची मागणी केली. सभागृहात बोलताना खासदार महाडिक यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याची क्षमता आणि समस्या याबाबत विवेचन केलं. कोल्हापूर हे ऐतिहासिक शहर असून इतिहास, संस्कृती, कला, उद्योजकता आणि पर्यटनाच्या दृष्टीनं या जिल्ह्यात मोठी क्षमता असल्याचं खासदार महाडिक यांनी बोलून दाखवलं. अध्यक्षजी, कोल्हापूर शहर एक हिस्टॉरिकल शहर आहे. प्राचीन काल से यहाँ पे महालक्ष्मी का स्थान है, इसे एक धार्मिक स्थल माना जाता है. अंबाबाई का मंदिर यहाँ पे है. देश के 3.5 शक्तिपीठों में से ये एक मंदिर है. दिस टेम्पल वॉज बिल्ड इन 634 AD. इसी के साथ कोल्हापुर शहर में, जिले में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर, खिद्रापुर मंदिर, नरसोबावाड़ी दत्त मंदिर, स्वयंभू गणेश मंदिर, त्रंबोली मंदिर, रेणुका मंदिर, जैन मंदिर, ऐसे कई सारे प्राचीन मंदिर हैं. ऐतिहासिक स्थल के नाम पे पन्नालगढ़, विशालगढ़, भुदरगढ़ जैसे 13 किले हमारे कोल्हापुर जिले में हैं. न्यू पैलेस, शालिनी पैलेस, रंकाला तालाव, कलंबा तालाव, ऐसे कई मॉन्यूमेंट्स कोल्हापुर शहर में हैं. कोल्हापुर शहर और कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी गुड़. खुपरी में सिल्वर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जहाँ से सिल्वर एक्सपोर्ट होता है. देश विदेशों से हर साल यहाँ पे 40 से 50 लाख लोग दर्शन के लिए या नवरात्रि के दर्शन के लिए, महालक्ष्मी के दर्शन के लिए या टूरिस्ट करके आते हैं. दरवर्षी सुमारे 50 लाख भाविक आणि पर्यटक कोल्हापूर जिल्ह्याला भेट देतात. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्याचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचे आणि मूलभूत सोयीसुविधांची कमतरता असल्याचं खासदार महाडिक यांनी सभागृहामध्ये स्पष्ट केलं. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे 2300 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला असून पर्यटन वाढीसाठी आणि जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनानं विशेष निधीद्वारे हा प्रस्ताव मंजूर करावा अशी मागणीही खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. व्हिजिटर्स की संख्या देखे जाए तो शहर में सुविधाओं की बहुत कमी है. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. क्लीन पीने का पानी नहीं है, पानी की किल्लत है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, रेस्ट हाउस, बस स्टेशन की को दुरुस्त करने की जरूरत है. रेलवे स्टेशन 125 साल पुराना हो चुका है. एयरपोर्ट पिछले 5 सालों से बंद है. कोल्हापुर एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र या पर्यटन स्थल हो सकता है. हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के केंद्र के पास भेजा है. लोगों की और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि विशेष सहायता कोल्हापुर के लिए मुकरर की जाए और जल्द से जल्द इसके ओर कदम बढ़ाए जाए. खासदार महाडिक यांनी लोकसभेमध्ये सातत्यानं विविध विषयांवर भूमिका मांडून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाबाबत पाठपुरावा सुरू केलाय.